जब तर्ज जिंदगी के बारे में एक अल्लाह की तकसीम के बारे में एक गलत बात सामने आ जाए, यह बदतरीन वसवसा है। खबीसुल खबीस अखबसुल खबाइस, जब तर्ज जिंदगी मुझे रिजक नहीं देता, मुझे रोटी नहीं देता, मुझे लड़के नहीं देता, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, हट जाओ तर बंडी वंड हकीम दी जे नाही मंजूर उत्तो फर्श जमीन दे जालिम हो जा दूर। खुदा के फर्श पर रहने के लिए, जमीन पर रहने के लिए खुदा की अतात के सामने सर झुकाना पड़े कर फिर कमी कमी तो चौधरी ना मथे लाई फिर जादी कौन के लिए शतीरिया जपे अपनी औकात देख अल्लाह के साथ मथा ये नहीं हो सकता किसी सूरत में। इसलिए फरमाया कि जब फिर बच्चा पैदा हो जाए उस वक्त और फिर उसके कान में अजान देना, इसको बताए अल्लाह अकबर, तू उस बादशाह के हुक्म से आया है जिसका जमीन और आसमान में तेरे जैसे करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं। यह तर्जमा है बच्चे की कान की अजान का तर्जमा और है, जुमे की नमाज के तर्जमा और है, फजर का तर्जमा और है, तहज्जुद का वक्त तर्जमा और है, आम तकबीरों में अल्लाह अकबर का तर्जमा और है। बदल बदल के तर्जमे जब आपने करके हर तर्जमा एक ही चलाई जाना अल्लाह अकबर का, फिर तबाही फिर नहीं, फिर तटे पर काटा नहीं है नमाज का नहीं है, फिर तो जिक्र का इस बात का चली जा रहा है। वो किसी ने आके मुर्शद से पूछना कि ये अल्लाह अकबर उस अल्लाह अकबर से, मैं कहा मौलाना साहब ये अल्लाह वाहद भी आता है, सुबह फजर पढ़ी हमने, मैंने कहा वाहद भी आता है छोटा सा था और आहद भी आता है, आहद और वाहद का फर्क बताएं आप। मौलाना कहते कहां पे काशिफ के नदवे तू सवाल पूछ रहे हैं मेनू, मैं कहा नहीं बताए ना आप, ये क्यों कहें हम अल्लाह आहद, क्यों ना कहें अल्लाह वाहद, कुल हु अल्लाह वाहद वो भी तो है अल्लाह के ताल वाहिद, ये आहद क्यों है, वाह का इजाफा क्यों कर दिया बाली जी। कहा हां बनदा भाई तेरा बनदा, शफीक ने कहा रिकॉर्डिंग कर लवे, रिकॉर्डिंग करवाई मैंने, हमारे सवाल इस तरह के होते थे, लेकिन हम इलम लेने के लिए जाते थे, हम इस तरह नहीं कुछ 10 दिन के बाद मुंह उठा के तो पड़े जब दिल चाहा चले गए तलाश इलम में है। मैं भी कैसा अजीब हूं, ऐसा अजीब हूं कि बस है? मैं भी कैसा अजीब हूं, मैं अपने बारे में कहता हूं, मैं भी कैसा अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, मुझे इतना सा भी मलाल नहीं कि मैंने बहुत कुछ खो के तो और जो मैंने पाया उसके बारे में कैसी चीज है। इसलिए मेरी उजब के बारे में कोई पूछता है उस्ताद जी आपने कैसे इल्म हासिल किया, तो सुन लो कि मैं भी कैसा कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, इतना सा भी मलाल नहीं कि मैं तबाह हो गया खुदा के दीन सीखने के लिए, हो गया तो दुनिया ये क्या, अब तो फिर रही है मेरे नीचे चीजें सारी, इस तरह फिरे कि मैं रोज रोज निकलता हूं यह पकड़ पकड़ मुझको खींचती है, दुनिया की दौलतें मुझे पकड़ पकड़ खींचती हैं, शोहरत मेरे पीछे भाग रही है, हाँ जी इज्जत और अल्लाह ने मुझे इतनी दे दी कि सोच भी नहीं सकता, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइया है कूड़े थे महल पे चढ़ा दिया साई ने ऊपर लगा के, वो ऊपर लगा के मेरे मेरा जो महल है उसके एक किंगरा जो है उसके ऊपर काशव चांद चमक रहा है, दीन उससे जाकर सीख लो, मैं नहीं किसी के दर पर जाता उससे मुलाकात करके तस्वीरें खिंचवा के भेजू, लोग ही आते हैं, अल्लाह है, जब अल्लाह के लिए आदमी हो जाता है तो अल्लाह अकबर बच्चे के कान में अजान दी, फिर दूसरा अल्लाह अकबर क्या है, फिर तीसरा क्या है, फिर अशहदुल्ला इला, पूरी तर्ज जिंदगी दीन उसको कान में समझा दिया जाता है बच्चे के जहन में, और अब दीन ये उसको कहा कहता है ये है तेरी जिंदगी की इब्तदा, पूरी जिंदगी तूने अजान की तरह गुजार दी, अच्छा अब इधर अकामत फरमाया टिल डेथ कद कामत इस्ला, जमात खड़ी हो जाती है ना, अब तेरी जमात जो अब खड़ी होगी मेरे बेटे तू अब मर जाए 2 साल का 6 महीने का 3 दिन का होके, या मेरे पुत्र तू मर जाए 70-80 साल और 90 साल का होकर के, तुझे ये पूरी जिंदगी इस दीन के अंदर अंदर इब्तदा इंतहा के अंदर गुजार दी, और उसके बाद फिर क्या होगी, फिर वो तेरी एक नमाज पढ़ी जाएगी जो सारे इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे।